अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक मेट्रो स्टेशन के अंदर का नज़ारा दिखाई दे रहा है। दावा है कि यह अयोध्या के मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, अयोध्या मेट्रो स्टेशन का लुक जारी किया गया, जय श्री राम। कई अन्य यूजर्स ने भी वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए इसे अयोध्या के मेट्रो स्टेशन का बताया है। दी लल्लन टॉप की पड़ताल में वायरल तस्वीर भ्रामक निकली। सच्चाई जानने के लिए हमने कुछ कीवर्ड सर्च किए, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अयोध्या में मेट्रो के नए लुक से जुड़ी कोई भी जानकारी हो। हमने अयोध्या के स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र सिंह से भी संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया अयोध्या में मेट्रो की परियोजना तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, इसलिए उसके नए लुक की बात बेबुनियाद है। अब बात कर लेते हैं वायरल तस्वीर की। अयोध्या मेट्रो के नाम पर वायरल हो रही तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि इसे किसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। तस्वीर में कथित मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों में से कुछ लोगों के हाथ नजर नहीं आ रहे हैं तो कुछ के सिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तस्वीर में नजर आ रही मेट्रो की लाइन भी गड़बड़ है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमने इंडिया टुडे के DIU डेटा इंटेलिजेंस यूनिट टीम की सुरभि सोनवे से संपर्क किया। AI प्रोजेक्ट पर काम कर रही सुरभि ने हमें बताया कि तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है। उन्होंने कहा, AI जनरेटेड इमेज पर काम करने वाले लोग आसानी से बता सकते हैं कि असल तस्वीर की तरह नहीं दिखती है, ये AI टूल्स की मदद से बनाई गई एक डिजिटल पेंटिंग है। सुरभि ने हमें वायरल तस्वीर में कुल 7 खामियां बताई जिसे देखकर समझा जा सकता है कि ये अयोध्या मेट्रो स्टेशन की तस्वीर नहीं बल्कि किसी के दिमाग की खुराफात है। ये खामियां हैं, दीवार पर लगी मूर्ति की पेंटिंग में एक पैर गायब है। AI जनरेटेड इमेज में अंगों का गायब होना एक आम कमी बताई जाती है। कई बॉर्डर और लाइन एक सीध में ना होकर गड़बड़ है। वायरल तस्वीर में मौजूद लोगों को मेट्रो की पटरियों की ओर जाते और उनके पास खड़े देखा जा सकता है। वायरल तस्वीर में दिख रहे कई लोगों के शरीर के कुछ अंग गायब हैं तो कुछ के टेढ़े मेढ़े हैं। मेट्रो के पास मौजूद फुटपाथ ट्रेन में मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। एस्केलेटर एक पॉइंट पर जाकर एकत्रित होता नजर आ रहा है। कई जगहों पर आधे मनुष्य आधे पोल दिखाई दे रहे हैं। AI कभी कभी दो चीज़ों को मिक्स करता है जो वाइड एंगल में एक दूसरे के करीब नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि अयोध्या मेट्रो स्टेशन के नाम पर शेयर की गई तस्वीर AI से बनाई गई है। इसे भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात करती है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।